जहाँ साटा लिखा हो वहाँ पे ये वाली केबल डलेगी। ये वाली केबल हमें इसके अंदर ऐसे करके प्लग कर देनी है, दैट्स इट, हो गई। ये होता है हमारा SMPS, इसको पावर सप्लाई बोलते हैं। ये होते हैं फैन जो कूलिंग के लिए यूज होता है और वेंटिलेशन के लिए। SDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये स्लो होती है और ये बहुत फास्ट होती है, इसको बोलते हैं SSD ड्राइव। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। आज का जो वीडियो है वो बाइक से रिलेटेड नहीं है, कार से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है जो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है और उससे बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं। अफेक्ट का मीन्स वो बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम आती है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप कोई कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फिर आप घर में वीडियो एडिट करते हैं या फिर फोटोशॉप का आपका काम है या फिर आप कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर अगर अपने सिस्टम में चलाते हैं और आपका सिस्टम अगर अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता है, हमेशा हैंग होता रहता है, तो ये वीडियो जरूर देखना। दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो डेस्कटॉप होता है घर में, जो एक कंप्यूटर होता है, उसमें जब वो थोड़ा पुराना होने लग जाता है ना, हैंग होने शुरू हो जाता है। और जब भी हम उसका अगर टास्क मैनेजर खोल के देखते हैं ना, तो ये देखो मैंने भी इसका टास्क मैनेजर खोला है, कितनी देर तक उसने लोडिंग किया। तो क्या होता है कि जब आप देखते हैं ना डिस्क, ये जो डिस्क होती है ना यहाँ पे, ये 100% हो जाती है और आपका कंप्यूटर होने लगता है हैंग। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने छोटी मोटी चीज़ें मंगाई हैं अमेजोन से। बजाय कि मैं पूरा सिस्टम ही नया लेता तो वो मेरे को बहुत महंगा पड़ता, 80-90 हज़ार का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़े से पैसे खर्च करके ही इस सिस्टम को अपग्रेड किया जाए, और अगर मैं अपग्रेड कर रहा हूँ तो मैं लोगों को भी ये वीडियो से बताऊँ। दोस्तों किसी भी कंप्यूटर में उसकी मेन चीज़ होता है प्रोसेसर, और फिर थोड़ा कम मेन और मेन, मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होगी चलेंगी, एक भी नहीं होगी तो बाकी सारी चलेंगी नहीं, लेकिन फिर भी चीज़ मेन होती है वो होता है प्रोसेसर। अगर आपके कंप्यूटर में प्रोसेसर हाई फाई लगा हुआ है, रैम भी हाई फाई लगी हुई है, लेकिन सिस्टम स्लो हो रहा है, तो मैं उसका बताता हूँ आपको कि रीज़न क्या हो सकता है। क्या होता है कि ये जो मेरा कंप्यूटर है ये 4-5 साल पुराना कंप्यूटर है, तो इसके अंदर ये जो स्क्रीन है ना, ये TFT है, इसको भी हमें अपग्रेड करना पड़ता है जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो वो एक एक करके करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। ओके, तो मैंने जो अमेजोन से चीज़ें मंगाई हैं छोटी सी, मतलब बहुत ही कम के अंदर मैं अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहा हूँ, वो पहली चीज़ मैं खोलता हूँ। मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन पहली चीज़ मैं खोलता हूँ वही वाले चाकू से। दोस्तों ये इस अपग्रेड की मेन चीज़ है, ध्यान से देखना, इस अपग्रेड की मेन चीज़ है, इसको बोलते हैं SSD ड्राइव। SSD ड्राइव का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है ना, जब वो पुरानी हो जाती है ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही क्रिएट करती है कि वो पुरानी हो गई जी, अब वो है प्रोसेसिंग बढ़ा रही है। तो उसका सॉल्यूशन होता है ये, देखो दोस्तों इसको बोलते हैं SSD। ये हम इसकी सील खोलते हैं और ये निकल गई WD, वेस्टर्न डिजिटल की SSD ड्राइव। ये हमारी नॉर्मल हार्ड डिस्क की जगह भी लग सकती है, और चाहो तो आप दो दो लगा सकते हो, तीन तीन लगा सकते हो। जो आपकी हार्ड डिस्क आज है, जो चल रही है, उससे 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा फास्ट होती है ये, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। अब दोस्तों क्या हुआ कि मेरा मॉनिटर भी मतलब 5-6 साल पुराना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि ये TFT है और मुझे चाहिए था LED। आजकल है LED का ज़माना, हर चीज़ में हम बाइकों में LED लगा रहे हैं, गाड़ियों में LED लगा रहे हैं, हर चीज़ हमारी LED से चल रही है। आजकल तो घर के बल्ब भी LED के आ गए, तो मैंने सोचा भाई अपना मॉनिटर भी अपग्रेड कर दो यार। हमारे घर में जितनी टीवी है सारे LED हैं, ठीक है, घर वाला मेरा PC LED है, लैपटॉप के अंदर LED आता है, गेमिंग के लिए परफेक्ट चीज़, काम करना उसके लिए परफेक्ट चीज़, एडिटिंग करनी है उसके लिए बढ़िया चीज़। याद है सबसे पहला TV निकाला था LG ने कर्व्ड, फिर सैमसंग सब आ गए उसके अंदर। ये देखो ये मॉनिटर है, बहुत सस्ता है और कर्व्ड है, ये देखो अगर आप देख पा रहे हो तो सही से दिख रहा है, तो ये देखो ये मेरे इस वाले मॉनिटर से इतना और बड़ा होगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, मज़ा भी आएगा गेम्स वगैरह खेलने में, एडिट करने में। दोस्तों सिस्टम अपग्रेड करने के लिए सबसे पहला आपको है अपना CPU लो और उसमें से पावर सप्लाई वगैरह या कोई भी केबल लगी हो तो हटा दो, क्योंकि बाद में वो शॉर्ट हो सकती है। सबसे पहला सेफ्टी टिप यही होता है। फिर आप अपना CPU खोलो। CPU खोल के जब आप देखोगे, अगर आप टेक्निकल गए नहीं हो और अगर आप CPU खोल के देखोगे, तो आपको लगेगा यार इतनी सारी वायर्स हैं, ये है, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसको कैसे मैनेज करूँगा। लेकिन मैं बता देता हूँ छोटा छोटा सा और मोटा मोटा सा, ये होता है हमारा SMPS, इसको पावर सप्लाई बोलते हैं। ये होते हैं फैन जो कूलिंग के लिए यूज़ होते हैं और वेंटिलेशन के लिए। ये होती है हमारी हार्ड डिस्क। SSD ड्राइव होती है। SSD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। मेरे सिस्टम में 4-4 GB की रैम लगी हुई हैं, 8 GB है रैम, और मैं और भी अपग्रेड कर सकता हूँ, चाहूँ तो 16 GB तक इसको कर सकता हूँ, बट मेरा 8 GB रैम से काम हो जाता है। इसके अंदर दोस्तों एक इन्फ्लेटर लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं, ये प्रोफेशनल लेवल का मदरबोर्ड है। ये सिर्फ मदरबोर्ड ही 25,000 रुपये का आता है।
अब हम करते हैं अपनी SSD ड्राइव इंस्टॉल। सॉलिड स्लेट के अंदर फ़र्क क्या होता है दोस्तों, ये हैवी होती है जो SSD होती है, सॉलिड स्लेट होती है बहुत लाइट वेट और एक सिंगल पीस होती है, ठीक है। ये है 240 GB की SSD ड्राइव साटा का कंपेटेबल, मतलब होता है इसका कि आपके किसी भी कंप्यूटर में लग जाएगी। इस वाली हार्ड ड्राइव से 10x या 15x फास्ट चलेगी। तो अब इसको लगाते हैं। इसको लगाने के लिए आपके पास होनी चाहिए ये ऐसी एक केबल, इसको साटा केबल बोलते हैं, जहाँ साटा लिखा हो वहाँ पर वाली केबल डलेगी। ये वाली केबल हमें इसके अंदर ऐसे करके प्लग कर देनी है, दैट्स इट, हो गई। अब क्या होता है, इस हार्ड ड्राइव के अंदर जो पावर सप्लाई होती है ना, वैसी ही पावर सप्लाई हमें अपनी इस वाली ड्राइव के अंदर देनी होती है। पावर सप्लाई तो हमने इसके अंदर दे दी, अब इसको लगाएंगे कैसे? तो इसके अंदर ये दो स्क्रूज आते हैं, आप चाहो तो इसको हार्ड डिस्क माउंट, ये जो हार्ड डिस्क माउंट होते हैं इसी के अंदर माउंट कर सकते हो। फिर क्या होता है कि आप ये साटा केबल अपने साटा पोर्ट के अंदर ईजिली ऐसे करके लगा सकते हो, दैट्स इट। बस इतना ही होता है इसके अंदर, आपको ये दो प्लग एंड प्ले चीज़ें करनी होती हैं। जब भी आप अपने सिस्टम के अंदर कोई ड्राइव इंस्टॉल करते हो या फिर आप SSD लगाते हो SSD की जगह, हार्ड ड्राइव की जगह अगर आप सॉलिड स्टेट लगाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको इस ड्राइव के अंदर विंडोज़ डालनी पड़ेगी, इस ड्राइव के अंदर विंडोज़ डालनी पड़ेगी और फिर अपना सारा काम भी आपको इसी ड्राइव में ही करना पड़ेगा। मॉनिटर लगा के मैं दिखाता हूँ, सारा सेटअप करने के बाद हम देखते हैं कि ये परफॉर्म कैसा करता है, तो अब वो देखते हैं। ये वाला सिस्टम देखो और ये वाला सिस्टम देखो। ये सिस्टम जो है ये पुराना है, इसका पुराना बूटअप टाइम है, और ये वाला नया है, तो दोनों को कंपेयर करना। अब देखो स्टार्ट करता हूँ मैं, 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, किसी की हेल्प हुई हो, अपना कंप्यूटर अपग्रेड किसी ने करने की सोची हो या फिर कोई सोच रहा हो, तो बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मैं सोचा था कि बाइक से या कार से थोड़ा सा हटके भी एक वीडियो बनाया जाए टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर और बाकी सब चीज़ों पे, तो अलग अलग चीज़ों पे हम वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए हो, ये वाली SSD, ये वाला मॉडल चाहिए हो, तो मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बहुत मोटी और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मैंने 99 रुपीज के बल्ब आपको ऑफर किए थे अपनी साइट पे, क्या होता है कि 99 रुपये की कोई चीज़ लेके, वो भी कैश ऑन डिलीवरी, वो भी फ्री शिपिंग, कोई सी सर्विस इस चीज़ को एग्री नहीं करती। कोई दुनिया में बंदा नहीं कर सकता 99 रुपये। 150 रुपये या 100 रुपये तो शिपिंग और COD चार्जेस होते हैं, तो 99 रुपये की आइटम 150 रुपये लगा के हम अगर भेजेंगे तो वो किसी का फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा करेगा कभी भी दुनिया के अंदर, या फिर किसी को करना चाहिए। और वो भी इतनी सी आइटम है 99 रुपये की, उसको अगर हम 100 या 150 रुपये लगा के भेजेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, उसमें टाइम ही ख़राब होगा कुछ लोगों का। हमने कुछ जो कॉल किए कुछ लोगों से, हमने पेटीएम से या इंस्टामोजो से हमने पेमेंट मंगा ली। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो आप हमें जब ऑर्डर करें आपके पास कॉल आए तो आप पेटीएम से हमें पेमेंट कर दें। अगर आप इंस्टामोजो से पेमेंट करना चाहते हैं, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड वगैरह डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं कि आप किस किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से शिप हो जाएगा और हमें भी ज़्यादा टेंशन वाली जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा kingindian.in पे कि आउट ऑफ स्टॉक चली गई आइटम। वो इसलिए होता है कि आपने खरीद लिया, अब आउट ऑफ स्टॉक चली गई, आपका पैसा वहाँ पर रुका हुआ है, जब तक वो क्लियर हो गया वापस नहीं आता तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो इस चीज़ का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी हमेशा kingindian.in पे फ्री शिपिंग रहेगी, COD रहेगी। अगर किसी भाई को कोई दिक्कत आती है या कुछ आता है तो वो हमारे कस्टमर केयर नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा जोश में रहना, ठीक है। चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडिया, बाय बाय।